मुलाकात मशहूर दानश्वर शायर और नसर की बारह किताबों के मुसन्फ पहली बुक पहला पत्थर दूसरी बुक जाने जाना तीसरी बुक पिया घर आ गया पंजाबी बुक थी चौथी मेरा सब कुछ पाकिस्तान मिली नगमे थे और पांचवी बुक मोहब्बत का तकाजा है साबिक डी जी पी आर जनाब आबद कमालवी साहब अलकम सर वालेकुम सलाम वाले सर सबसे पहले मेरे नाजरीन को अपनी जिंदगी के बारे में बताएं जो स्ट्रगल आपने अपनी पूरी जिंदगी की है उस बारे में मेरे नाजरीन को कुछ अच्छा वक्त भी मुख्तसर होता है तो बिस्मिल्ल मुख्तसर वक्त में मैं समेट लूँ चीज़ों को तो ये है कि मेरे जो बड़े हैं वो इंडिया के ज़िला होशियारपुर की तहसील गढ़शंकर और कस्बा था बलाचौर वहाँ से हिजरत करके वो एक कमालिया सिटी है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक में पहले डिस्ट्रिक्ट लाईपुर था तो वहाँ पे वो सेटल हुए वहाँ पे उनको जो है ना वो थोड़ी बहुत ज़मीन और वो बाक़ी चीज़ें तो गवर्नमेंट हाई स्कूल कमालिया से मैंने मैट्रिक किया फिर बाकी मेरी तालीम मोस्टली जो है ना वो लाहौर की है पंजाब यूनिवर्सिटी से एम ए किया फिर मैंने लॉ किया एल किया फिर मैं मुख्तफ अखबारों रसायल में मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ीयतों में काम करता रहा वो बड़ी तफसीली जो है ना वो बात है फिर ये है कि एट्टी थ्री का जो बैच था हमारा इंफॉर्मेशन सर्विस का उसमें मैं बतौर इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है सिलेक्ट हो गया तो पंजाब के तकरीबन तेरह या चौदह अजला और डिवीज़ में मैं बतौर डिस्ट्रिक्टफार्मेसन अफसर बतौर इसस्टेंट डायरेक्टर बता डिप्टी डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर शाहीवाल डिवीजन में मुल्तान डिवीजन में सरगोदा डिवीजन में और बाकी शहर हैं तो उनमें मैं मेरी पोस्टिंग जो है वो रही इस दौरान काफ़ी जो है वो तजर्बात मुशाहदात जो है वो ज़िंदगी में आए तो उन्हीं तजर्बात और इंसानी रवैयों को जो है वो ज़्यादातर मोस्टली मेरी शायरी में जो है वो भी हैं इंसानी रवैये भी हैं मोहब्बत की बातें भी हैं मोहब्बत के तस्करों के बगैर तो शायरी और गज़लें और नज़में अधूरी होती हैं वो भी है तो ये एक छोटा सा ये है तो उसके बाद मैंने ये अपने मैक में से रिटायरमेंट लेने के बाद अब मैं, मैं कॉलमिस्ट हूँ एक खबरें ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स में मेरा कॉलम होता है अलका जंजीर मेरा लोगो है इसके अलावा सोशल मीडिया के मेरे जो पेजेस हैं उनको भी थोड़ा सा आबाद रखता हूँ मैं और शायरी जो है वो जारी है और मजीद किताबें इन साल में जो है, वो मेरी शायर हो जाएंगी मुसाफिर तो बिछड़ते हैं रफाकत कब बदलती है मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत कब बदलती ही को चाहते हैं ही से प्यार करते हैं यही बरसों से आदत है, ये आदत कब बदलती है सर कुछ इस बारे में कहिएगा कोई मुसाफिर ऐसा मिला है आपको तो ये देखिए मुसाफिर तो मिलते रहते हैं जो मतलब इंसान को मुतासर करते हैं जो उसके जेन और दिल पे जो है ना वो छाए रहते हैं उसके बाद और भी मुसाफिर मिलें लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में जो है वो ऐसी यादें छोड़ जाते हैं जो मरते दम तक जो है ना वो आपके जेन पे आपके दिल पे नक्श हो जाते हैं सर उनके बारे में आप अपनी किताब से कुछ बताइएगा उन मुसाफिर के बारे में जो आपको याद रह गया हो कोई मजा मनसी में एक हाँ तो वो मेरी आखिरी जो किताब आई है उसका नाम है मोहब्बत का तकादा है तो उसकी एक नज्म है वो नौजवान नस्ल जो है वो भी उसको बड़ी पसंद करती है लेकिन उसमें ये नहीं है कि मोहब्बत जो है ये एक मोहब्बत मेरे नज़दीक पाकिज़ा जज्बों का नाम है एक माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है एक मुरीद को अपने मशत से मोहब्बत होती है एक फिर सबसे बड़ी जो मोहब्बत है अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह से मोहब्बत के बाद अल्लाह के महबूब सलील सल्लम से मोहब्बत है तो ये मोहब्बत के मुख्तलिफ तकाज़े हैं तो उसमें से कुछ लाइने मुझे मेरे जहन में आ रही हैं वो ये है कि मोहब्बत का तक है तेरे पाकिज़ा लब मेरे लबों पे सब्त हो जाए मोहब्बत का तक है तेरे पाकिजा लब मेरे लबों पे सब्त हो जाए और इनकी चाशनी से रूह की बंजर जमीन जरखेज हो जाए ये सर माजी के अंदर क्योंकि शायर जो होता है सर एक बहुत ही दिल रखता है सर आपकी बुक्स के अंदर जिस तरह के जज्बात हैं सर को और जज्बात जो मेरे हाजरीन को सुनाना चाहें अपनी किसी और बुक से जाने जाना से या पहला पत्थर को आपने लिखी थी उस हवाले से अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि कुछ शायरों के जो अशा हैं वो ज़रबुल जरबुलमिश्र बन जाते हैं लोगों की ज़ुबानों पे होते हैं तो मैंने जब ये मेरा आगाज़ था शायरी का एक अदाब अर्ज पर्चा था बहुत अशात थी उसकी नौजवानों में बहुत मकबूल था गल्फ़ में लोग बहुत पढ़ते थे और बड़ी डाक आती थी उस वक्त ख़तूत का रवाज था ईद कार्डों का रवाज था अब तो ये नेट आ गया है अब तो ये ईद मुबारक जो है वो इस पर कर देते हैं तो मेरी एक नजम थी ईद कार्ड अच्छा उसका एक बंद जो है ना वो बल्कि तारक अजीज़ मरहूम ने भी अपने प्रोग्राम में पढ़ा ईद का प्रोग्राम था कोई तो वो वो मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ अपने नाजरीन से और अपने सामीन से वो था कि लोग पिछड़े मिलते हैं बाद मुद्दत के बिछड़े मिलते हैं बाद मुद्दत के इसको रोज़े सईद कहते हैं दर्द औरों का बाँट लेने को बज़म हस्ती में ईद कहते हैं और लोग कहते हैं ईद कार्ड इसको जिसका मैं जिक्र कर रहा था लोग कहते हैं ईद कार्ड इसको ये रवायत है इस जमाने की एक दस्तक है उनके जहनों पे जिनको आदत है भूल जाने की और ये है कि आंखों को अश्क आह को तासीर दे गया आंखों को अश्क आह को तासीर दे गया एक शख्स हमको दर्द की जागीर दे गया सर इसी तरह ही मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा कि कोई आपके माजी के अंदर वो आपको याद हो तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है। मुझे गले से लगा लो बहुत उदास सुनो गले से लगा लो बहुत उदास मैं से छूना लो बहुत उदास ये इंतजार का दुख अब सहा नहीं जाता तड़प रही है मोहब्बत रहा नहीं जाता तुम अपने पास तो लो बहुत उदास भटक चुका हूं बहुत जिंदगी की राहों में आहा। तुम अब छुपा लो मुझे अपनी बाहों में मेरा सवाल बहुत उदास मैं एक गले से नो बहुत उदास सर कुछ के तेरी गली की बात मेरे क्या हुई रौन के तेरी गली की बाद मेरे क्या हुई अब यहां पर आशकों का एक भी टोला नहीं और रुकावट कौन सी बाकी है क्यों मिलता नहीं हमसे रुकावट कौन सी बाकी है क्यों मिलता नहीं हमसे तेरे रस्ते की हमने सारी दीवारें गिरा दी हैं। क्या बात सर आजकल के अदब के हवाले से आप बताएं कि न्यू जनरेशन में जो अदब है उसको किस तरीके से आप समझते हैं कि अदब जो है जो नज़म है शायरी है वो किसको फॉलो करें ताकि और नए शायर यंगस्टर जो हैं वो पाकिस्तान में आ सकें तो इस हवाले से ये है कि मैं समझता हूँ कि शायरी वही जो है वो कहते हैं कि सारे दायरों के अखलाकियात और जो वैल्यूज़ हैं उसके दायरे के अंदर रहती है जिसको हम अपने घर में बैठ कर अपने घर के अफराद में बैठ कर जो है ना वो पढ़ सकें चूँकि वो शायरी जज्बों का नाम है तो जज्बे एक माँ के अंदर भी होते हैं एक बहन के भी जज्बे हैं भाई के जज्बे हैं और इंसान के अपने भी जज्बे होते हैं और नौजवानों के अपने जो है ना वो जज्बात होते हैं मैंने सब के लिए लिखा है मैंने नौजवानों के भी लिए भी लिखा है मैंने जो भरपूर शबाब में होते हैं उनके लिए भी लिखा है और उसके बाद जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए भी लिखा है रवियों की शायरी है मैं एक शहर में गया और रास्ता पूछा किसी से वो रास्ता बताने में कोई उन्होंने थोड़ा सा तरद किया तो मैंने ये आप देखें शेर देखें कि दीवार पे लिखी हुई तहरीरी पढ़ना दीवार पे लिखी हुई तहरीरी पढ़ना इस शहर के लोगों से मुलाकात ना करना इस शहर के हालात अभी ठीक नहीं हैं रुक जाना मोहब्बत की शुरुआत ना करना सर आप कोई ऐसा हमेशा कॉलेज लाइफ के अंदर या यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर कोई स्पेशल होता है जो अक्सर छूट जाते हैं आदमी को भूल जाता है मगर ऐसा था जो आपको याद रहा हो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर तो उस हवाले से कुछ बताएंगे मेरे नाजरे उस यूनिवर्सिटी में मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में शोब सहाफत में को एजुकेशन थी खातीन भी थी तालबात भी थी तलबा भी थे तो मुझे फ़ख्र है कि मेरे क्लास फैलोज़ में शायर भी थे और बड़ा अच्छा बड़े ख़ूबसूरत जज्बों वाले लोग थे उनमें एक नाम जो है वो शुबिन अज़ीज़ का है जिनका एक मरूफ़ जो है ना वो शेर है अम उदास फिरते हो सर्दियों के शामों में इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में और इस तरह खवातिन भी थी हमारे साथ जो नहीं। नहीं। शायरात शायरात थी लेकिन ये है कि जब अमली ज़िंदगी में इंसान आता है तो फिर ऐसा है कि वो खो जाते हैं लोग और अब तो सोशल मीडिया ने कुछ लोगों को मिलाया है कुछ इसी बात पे एक आज़ाद सी पोइट्री है अगर कहते हैं तो मैं सुना जी 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 ज़रूर जरूर अब कैसे कहूँ उनसे मुलाकात तो हो अब कैसे कहूँ उनसे मुलाकात तो होगी माजी के ताल्लक की कोई बात तो होगी जब चांद ऊपर आएगा चुपके से सहन में आ किस्मत में मेरे कोई ऐसी बात तो होगी हर रोज वो कहते हैं कि कोई बात करो तो नहीं। बातों ही बातों में शायद कोई बात होगी अब ना रुक सकेंगे मेरी आंख के आंसू तुम यो सताओगे बरसात तो होगी हाँ वाह सर आप में डी जी पी आर में डायरेक्टर हैं आप सर को उस हवाले से बताइएगा मेरे नाजरीन को कि उस नौकरी को कैसा पड़ा अच्छा ये हमारी जो सर्विस है ये बड़ी इसमें बड़ी वैरायटी होती है क्योंकि हमने ए, कवर करना होता है सारे इवेंट्स जो सरकारी सतह पे होते हैं उसमें मतलब एक इंतजामिया है उसमें कमिश्नर है डिप्टी कमिश्नर है उसमें फिर मिनिस्टर्स आते हैं इजला में और डिवीजन में चीफ मिनिस्टर आते हैं गवर्नर आते हैं वीवीआईपी आते हैं वीवीआईपी कवरेज भी कर रहे होते हैं और इसी तरह खेलों की कवरेज भी हो रही होती है मौसीकी के प्रोग्राम जो होते हैं उसमें बड़े बड़े जो फनकार आते हैं वो प्रोग्राम भी हम कर रहे होते हैं हम असम्बलियों की कार्रवाइयाँ जो हैं उसको भी ए, उसक, उसकी भी कवरेज दे रहे होते हैं तो इसमें बड़ी वैरायटी है और बड़ी शख्सियात से जो है ना वो मुलाकात के मौाक़े मिलते हैं उसमें सियासतदान हैं अदीब हैं शायर हैं कुछ ब्यूरोसी में भी शायर होते हैं जैसे आ, खाने वाल में थे तो वहाँ पर खासे शायर जो है ना महिला बरलाद साहब इकट्ठे वहाँ पर वो मेरे डिप्टी कमिश्नर थे वहाँ पे और भी जो है ना वो कैसे निकालते थे आपकी माशाल्लाह बारह किताबें हैं जो पाँच मशहूर किताबें हैं सर जैसे कि आपकी पंजाबी की जो बुक है पिया घर आया आपकी बुक है सर वो इतना टाइम कैसे निकाल लेते थे कि जॉब भी कर रहे थे अदब से भी ताल्लुक है घर वाले भी टाइम मारते होंगे सर अच्छा वो ये था ये शौक होता है ना जो शौक़ आप देखते हैं कि जो शौकीन होते हैं कबूतरबाजी के तंगबाज़ी के वो शौक़ में इस हद तक चले जाते हैं कि वो बात उका दिए कि वो हादसा भी उनके साथ हो जाते हैं वो गिर भी पड़ते हैं वो ऊपर देख रहे होते हैं पतंग को काट रहे हैं या कबूतरों के शौक़ में तो ये शौक़ था मेरा शायरी वो मैंने लिखा है रिज्क अजदाद का वाबस्ता रहा खेती से शायरी पेशा नहीं शौक़ है मेरा आबिल तो मैंने नौकरी के साथ साथ शायरी के शौक़ को जिस तरह और शौक़ में बंदा बिल्कुल ए, उसके अंदर जो है ना वो पूरा ए, हो जाता है तो इसी तरह मैंने शायरी को भी अपने शौक़ को जो है ना वो अरूज पे और वक्त निकाल लेता था ए, और वक्त नहीं भी निकलता था फिर साले तो नाराज़ होता होंगे नहीं नहीं वो इतना वो नहीं था कि मेरा मतलब है कि जीना जो है ना वो दूबर हो जाए वो मतलब उनको पता था मेरे घर में मुशायरे भी होते थे और मेरी अहलिया जो शायर हज़रा आते थे उनके लिए वो मतलब है कुछ खाने पीने का तमाम रिफ़्रेशमेंट का भी वो होता था, था। सर पंजाबी की जो बुक है सर उसे कोई आप आपनाना चाहें मेरे नाजरीन जी जी वो पंजाबी का जी वो जो था ना कि ये पी अगर आया ये वह चूँकि गुल्ले शाह के शहर में मैंने नौकरी की है तो गुल्ले शाह का शहर जो है वो कशूर जो है वो भी बड़ा माशा बड़ी उसमें ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सिलसिला था तो उसमें ये है कि दिल ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰੀ ਰੰਗ ਆ ਜਾਵੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗਰ ਯਾਰ ਮਨਾਣ ਦਾ ਢਾਂਗ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਵੇ ਗਲੀਆਂ ਸੁਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਬਿਨ ਜਿਹਾ ਮਲੰਗਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸਰ ਜੋ ਅਭੀ ਆਖੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰ ਸੁਣਾਏ ਸਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ لازمی ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਲ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਜਲ ਅੱਖ ਦਾ ਡੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨੇਰ ਮਚਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਸੀ सारे जग में मचा दे कज्जल अखदा डोल के बेस सारे जग में नेर मचा दे कज्जल अखदा डोल के वेग साढ़े वे। नाल भी बोल के वेख साढ़े दिल नोल के वेग सर आखिर में मेरे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें यंगस्टर को पैगाम देना चाहें अदब के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाहें ये देखे पैगाम यही है कि जब मैं देखता हूँ ना कि शायर कुछ डिमांड्स कर रहे होते हैं शायरों के इलाके में सड़कें नहीं हैं लोग भूख से मर रहे होते हैं लोग अपनी जानें जो है ना वो खुदकशी के खुदकुशियाँ कर रहे हैं या लोग सड़कों पे आ जाते हैं अपने इवन बच्चों को बेचने तक जो है ना वो लोग आ जाते हैं तो जब शायर डिमांड करता है शायर का काम ये नहीं है कि वो मुतालबात करें कि यहाँ सड़कें बना दें या पुल बना दें ये सियासतदानों का काम है कि वो लोगों के जज्बों को समझें लोगों की खाशात को देखें और उसके मुताबिक असम्बली में जो है वो कवानी पास करें और शायरी जो है चूँकि ये कम्यूनिकेशन है ये फौरी तौर पर देखें ना अबीब जालब थे और शायर थे उन्होंने ये कहा ऐसे जा जो है ना वो लगती है जा दिल पर बात लगती है तो वो ज़्यादा जो है ना वो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं तो शायरों को वो शायरी करने दें जो एक शायरी की रवायात हैं मीर ने की है गालिब ने की है ताकि वो शायरी करें लेकिन जब शायर जो है वो अपना शाकिर शुजाबादी की तरह या और जो शायर हैं इस तरह अभीबालिब हैं मरूम तो उनकी तरह जब वो मुतालबात उनकी शायरी में आ जाते हैं बगावत उनकी शायरी में आ जाती है तो मेरा ख़्याल है फिर ये ठीक नहीं है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो अदबी लोग हैं जो अदब से वाबस्ता लोग हैं उनकी सरप्रस्ती करें उनके कलाम को जो है वो उस करें अल्लाह का शुक्र है मेरी शायरी और न के पाँच एम फिर जो हैं वो हो चुके हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो उन शायरों को जो कश्मवसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो मजाफात में जो है वो कम्यूनिकेट कर रहे हैं लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अपनी शायरी के जरिए उनकी जो है ना वो तहफ़ का जो है वो बंदोबस्त होना चाहिए शुक्रिया सर आखिर में नाजरीन मैं सिर्फ इतना तवजूँगा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन अदीबों के लिए इन शायरों के लिए कुछ फंड देना चाहिए ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगियां खुशी खुशी गुजार सकें और गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान को ये भी सोचना चाहिए कि इनके घर में भी बच्चे हैं और इनके घर के अंदर भी अफराद हैं जो इस चीज़ के मुंतजर हैं कि जो आजकल की महंगाई है शायद ये एक शायर वहीं पे मर जाता है जब उसके सामने वो बिजली का बिल आता है या फीस आती हैं जो लिख नहीं पाता जिसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनाम नहीं मिलता उदारा मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इन दानश्वर शायरों के लिए भी कोई खसूस फ़ंड दिया जाए जिस तरह असम्बली में पार्लियामेंटेरियंस को फंड मिलते हैं वैसे उस पार्लियामेंट के फ़ंड में से सिर्फ एक परसेंट भी अगर हम इन अदीबों और शायरों पर लगा दें तो शायद ये लोग भी पाकिस्तान का फ़खर बन सकते हैं तो मैं आखिर में जनाब आबद कमालवी साहब के लिए कुछ चंदार हैं जो कहना चाहूँगा